हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फोर क्लास नाइन्थ, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पाठ एक जो हमारा है उसी को कंटिन्यू करते हुए भारत आकार और स्थिति, भारत तथा विश्व के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे भारत की विश्व में क्या स्थिति है, क्या पोजिशन है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मुख्य बिंदु क्या हैं? भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी एशिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिण में जो है क्या है, भारतीय भूभाग है। और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के क्या है, मध्य में स्थित है। ठीक है, पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, यानी जो हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर है उसमें भारत को जो है एक तरह से केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। और इस प्रकार जो यूरोपीय देश हैं उनको पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध ना केवल यूरोप तथा और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। तो भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध वो जो है यूरोप के साथ तो हैं ही, साथ ही पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी बहुत अच्छे से संबंध हैं, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो कुछ जो है इसी तरह से है। ये संबंध जो है कैसे हैं, समुद्री जल मार्गों के द्वारा और भूभागों के द्वारा समय के साथ साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ जो है वो बनते चले गए। तो ये संबंध जो जल मार्ग हैं उनके द्वारा और भी गहरे होते गए हैं। आधुनिक समय में वायु मार्गों ने प्रयोग से इस संबंध को और भी मजबूत जो है वो बनाया है। तो आधुनिक समय में जो वायु मार्ग हैं उससे ये संबंध और भी मजबूत हो गए हैं। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुँच सके। तो जो हवाई मार्ग हैं, आप कह सकते हो कि जो जल मार्ग हैं उनके द्वारा जो भारत की संस्कृति है, भारत के विचार हैं, ठीक है, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, दशमलव प्रणाली, वो सब संसार के कोने कोने में पहुँच सका। मलमल आदि कपड़े, मसाले और व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। तो आपको पता है कि भारत के मसाले, केरला साइड जो है जो मसाले हैं वो बहुत फेमस थे, व्यापार के लिए जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो ये सारा जो व्यापारिक केंद्र रहा है भारत, उसमें एक तरह से जो मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, वायु मार्ग हैं, इनका अपने आप में ही बच्चों एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो योगदान रहा है जो व्यापार है उसको बढ़ाने में। उसके बाद देखिए, दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है भारत की पोजीशन जो है वो कुछ ऐसी है। तो हिंद महासागर के जो है ये एक तरह से इसको, इसका जो आप कह सकते हो कि केंद्र की पोजीशन जो है इसको मिली हुई है। और केंद्र समुद्री मार्गों के द्वारा और वायुयान मार्गों के द्वारा ये जो है हर एक जो देश है उसके साथ अपने इसके क्या हैं, संबंध हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो देखिए, प्रश्न एक दिया गया है, विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो भारतीय भूभाग बच्चों एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। ठीक है, तो भारत में, भारत को जो है एक तरह से हिंद महासागर के जो है ये जोड़ता है हिंद महासागर से, और पश्चिम में जो है क्या है, यूरोपीय देश हैं, और पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनको जो है जोड़ता है, जैसे चाइना है। ठीक है, इस तरह से ये इसका बहुत फ़ायदा जो है वो भारत को मिला है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दो, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, आंसर रहेगा यूरोप जो है, यूरोप में फ्रांस, इटली, यूके, स्पेन, इनके साथ भारत के संबंध थे। उसके अलावा पूर्वी एशिया, चीन, जापान, हांगकांग,
इनके साथ हैं, और अफ्रीका लाइक केन्या, सोमालिया, युगांडा, इनके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न तीन दिया गया है स्टूडेंट्स। प्रश्न तीन क्या है, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, विस्तार पूर्वक लिखे। तो हिंद महासागर में जो भारत है उसकी केंद्रीय स्थिति है और उसका लाभ जो है वो भारत को बहुत मिला है। भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, ठीक है, पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया जो है उसके केंद्र में है, जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्गों से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता की है। तो जो भारत की स्थिति है बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि केंद्रीय स्थिति है, इसके कारण जल और थल मार्गों से भारत अपने रिश्ते जो है वो बाकी सभी देशों से उसके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न चार है, आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग से इन संबंध को और भी मजबूत किया, क्योंकि भारत के पास व्यापारिक तौर पर कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो भारत दूसरे देशों को भेजता रहता है। जैसे हमने पढ़ा था मसाले हैं, कपड़े हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा निर्यात की जाती हैं, और वायु मार्गों से के द्वारा ये बहुत ही आसान हो गया। तो आप यही लिखेंगे कि वायु मार्गों ने इन संबंधों को और भी अधिक मजबूत किया है और भारत के पास ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारत दूसरे देशों को भेजता रहता है। प्रश्न पाँच दिया गया है, मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। तो आप मानचित्र में दिखा सकते हो, ठीक है, मानचित्र लेके उसके ऊपर आप भारत और मिस्र का जो है पोजीशन दिखा के वर्ल्ड के मैप पे आप या इंडिया के मैप पे आप भारतीय जो तट है उसको दिखा सकते हो। तो देखिए, इतनी लंबी दूरी तय करने में भारतीय तट जो है एक पुल की तरह कार्य करता है, और ये जो पुल है यानी मुंबई तट पर हम कर लगाकर भारत को लाभ जो है वो पहुंच सकता है। तो अगर मुंबई तट पर कर लगा दिया जाए तो भारत को जो है एक बहुत ही इनकम जो है यहाँ पर हो सकती है, क्लियर, क्योंकि मिस्र और ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बीच में भारतीय तट जो है वो किसका काम कर रहा है, एक पुल की तरह जो है वो काम कर रहा है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको मानचित्र पर भी दिखा सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।